नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूँ विनीता मिश्रा। हमारे साथ आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 जून को संकट निवारण दिवस आखिर क्यों मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कल 2 जून है, संकट निवारण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कल होने वाला है और ये दिवस की विशेषता क्या है? देखिए, पहली बात, आज आप देख रहे हैं एबी न्यूज के जितने भी दर्शक लोग हैं वह सब देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है। न केवल विश्व, भारत और बिहार प्रांत, खास करके पटना में हम लोग हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्थिति बिगड़ी हुई है अभी, उसका एक ही कारण है कि एक विकृति आ गई है समाज में, एक बीमारी आ गई है जिसके निवारण के लिए सारे लोग चिंतित हैं। आपके चैनल वाले लोग भी परेशान हैं। तो पूरे समाज से इस विकृति का नाश कैसे हो, इस भय का निवारण कैसे हो, इसके लिए हम लोगों ने निश्चय किया कि 2 जून को एक संकट निवारण दिवस के रूप में मनाएं और उस दिन प्रति व्यक्ति यह निश्चय करें कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, परिवार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, परिवार के बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लोगों को निश्चित संकल्प लेना चाहिए कि जो सरकार द्वारा निर्धारित नियम है उसका पालन करते हुए, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, सफाई की बात हो रही है, भोजन की बात हो रही है, स्वयं सुरक्षा की बात हो रही, उसको हम लोग पालन करें। हम लोगों ने हवन रखा है, 2 जून को हम लोगों ने हवन रखा, पूरे देश के लोग गुड़गांव और महाराष्ट्र तमाम क्षेत्रों में जितने लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रियजन हैं, उन लोगों को कहा गया है कि आप एक यज्ञ का आयोजन करावें और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सब लोग हवन करें, अपने मन के विकारों को स्वाहा कहें, अपने मन के विकारों को नष्ट करें और उसी हवन कुंड के सामने यह भी संकल्प करें कि भविष्य में लॉकडाउन रहे या जाए, हम प्रतिदिन इसके नियम का पालन करते हुए रहेंगे। आज आपने देखा होगा समाज में यह बीमारी कैसे फैल रही है। आपने देखा हमारा बिहार एकदम पूर्णतः सुरक्षित था, बीच में आकर थोड़ा सा, अब पता नहीं कई कारण हो सकते हैं, या हम लोगों के ऊपर काफ़ी प्रहार हुआ जिसके चलते थोड़ी संख्या बढ़ने लगी। अभी भी अगर हम लोग आज निश्चित कर लें, आज आपके माध्यम से एबी न्यूज़ के दर्शकों को मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मन में संकल्प करें कि मैं इस बीमारी से बचने का स्वतः प्रयास करूंगा। न सरकार की मुझे ज़रूरत है, न समाज के पुलिस वालों की ज़रूरत है। अब डंडा लेकर कोई आदमी नियम पालन करावे, ये मुझे समझ में नहीं आती। हमारी सुरक्षा इस जिस चीज़ से हुआ काम करना चाहिए, हम लोगों को संकल्प करने की आज आवश्यकता है, ताकि हम आपके जो जितने भी दर्शक उनको बता सकें। और आपसे हम यही मांग करते हैं कि आप एक अभियान चलाएं, निरंतर चलाते रहें, एक दिन नहीं, हमारे बच्चों को बचा लीजिए आप। हमारे बच्चे खतरे में चल रहे हैं, उनकी आँख खराब हो रही है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनको हवा नहीं मिल रही है, नाक से सांस लेने का उनको कहीं वायु का नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमारे बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में केवल आप अपील करते रहें कि आप इस नियम का पालन करें। अभी आपने देखा होगा जो अभी लॉकडाउन जब शुरू हुआ, इसी पटने के गलियों में जाकर आप देखते लगता कि राम राज चल रहा है। हम लोग, मैंने टीवी सीरियल पर बोलना शुरू किया, पिछले 16-17 एपिसोड में मैंने कहा है कि सतयुग लौट रहा है। सतयुग लौट रहा है का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी बुराइयाँ थी समाज की, हुड़दंग करना, छीना झपटी, किसी को बैग छीन लेना, चेन स्नेचिंग होना, या सड़क पर उत्पात मचाना,
ये तमाम जो विकृतियां चल रही थी, जो ही लॉकडाउन हुआ सारा बंद हो गया। तो हम लोगों ने देखा गंगा का पानी शुद्ध हो गया, पटना का जो प्रदूषण लेवल था नीचे गिर गया, दिल्ली हैदराबाद कलकत्ता सबका प्रदूषण लेवल नीचे। अरे भाई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने भारत सरकार से भी मांग की और सारे चैनल में भी आया कि मैंने मांग की और आपके माध्यम से भी मैं मांग करता हूँ कि 15 दिन का प्रत्येक वर्ष लॉकडाउन घोषित किया जाए, अनिवार्य मैंडेटरी अनिवार्य रूप से, जिसमें सारी फैक्ट्री बंद हो जाए, गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल जितनी भी, सब लोग अपने अपने घरों में सिमट के अपने बच्चों के साथ बैठ जाए, अपने परिवार के साथ खेले, परिवार के साथ भोजन करें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कम से कम घर में रह कर लोग रोटी बनाना तो सीख लिया है, तो यह भी काम हम लोगों को करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को हमसे मिले हुए कई कई दिन हो जाता है, तो अपने बच्चों के साथ खेले कूदे, हाथी घोड़ा बने, उन्हें पीठ पर बैठा के दौड़ावे खेले, यह सब वातावरण बनाने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि भले ही लॉकडाउन रहे या जाए, अभी जा रहा हो या जो, लेकिन भारत सरकार निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष 15 दिन का लॉकडाउन करावे और पूरे देश को शांत कर दे, बंद कर दे फैक्ट्री के। मुझे नहीं चाहिए, कोई ऐसी प्रगति नहीं चाहिए। आप ही अंदाज करिए, कोई व्यक्ति अगर कहे हमको, हम आपको सोना का सड़क बना देते हैं, एक आंख दे दीजिए, कौन देगा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आत्मिक सुरक्षा, अपना शरीर की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा। और ये तभी हो सकता है जब हम निश्चित कर लें कि जो अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, व्यायाम करें, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें, माल होटलबाजी रात में जगना खुरदंग करना ये सब बंद करें, और देखेंगे कि हमारा समाज पुनः एक बार नए रूप में खड़ा होगा, और तभी हम लोग कहना शुरू करेंगे अब सतयुग आ गया। जी बिल्कुल, और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, संकट निवारण दिवस हम मना रहे हैं, हवन करने की बात भी आपने कही है, संकट निवारण मंत्र कौन सा उस समय हम लोग प्रयोग करें जब हवन हो? देखिए दो ही मंत्र बहुत ही अचूक है इसके लिए, पहला है गायत्री मंत्र का पाठ और दूसरा है मृत्यु से भय की मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र, इसका जावन करें, इसका जाप करें और उनके नाम से स्वाहा, रोग शोक विनाश आए स्वाहा, इस तरह के जाप करें। कोई भी मंत्र करेंगे रास्ता वहीं है, वहीं पहुंचा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक, तो इस तरह संकट निवारण दिवस के दिन आप मंत्रों का जाप कर, हवन कर अपने परिवार की शांति कर सकते हैं।